हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेसा एमटेक की तरफ से जो निकाला गया है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लाइक फॉर PhD प्रोग्राम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन यह है सेसा इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जो एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर PhD प्रोग्राम बींग ज्वाइंटली रन बाय सेसा एमटेक एंड एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSI न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जो फॉलोइंग एरिया जो है मैंसन कर रखे हैं, और यहाँ पे जो है आपको PhD पोजीशन जो है वो ऑफर हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप जो है किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं। तो अभी देखिए, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक, एपिजेनेटिक, माइक्रोबियल जीनोमिक्स, पैथोजन बायोलॉजी, तो इस टाइप के आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो आपको यहाँ पे जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, MSc, MTech, M Pharma विद मिनिमम 55% मार्क्स, या आपका BTech है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MBBS कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैलिड फेलोशिप आपका पास होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्सरी मेंशन कर रखा है, ये आपका जो है यहाँ पे CSIR, UGC GRF, ICMR GRF, DBT GRF अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास DST इंस्पायर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके पास NET LS है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपके पास DST इंस्पायर तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी की, आपके पास आपकी खुद की ओन फेलोशिप होनी चाहिए तब भी आप जो है इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा जो है यहाँ पे टोटली जो है आपको यहाँ पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आपके पास फेलोशिप आपकी है कि नहीं है। अगर ये सब वेरीफाई करने के बाद जो है आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू जो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है CSI इंटेक के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें फी पेमेंट की, तो यहाँ पे देखिए, फी फॉर द PhD प्रोग्राम इज एज पर ए CSIR फी स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 9,000 पर सेमेस्टर फी देनी पड़ेगी, और आपका थीसिस सबमिशन फी ₹5,000 रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको मैंने बता दिया, और साथ ही साथ जो फी स्ट्रक्चर वो भी हमने आपको बता दिया। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन को 31 अक्टूबर 2021 है, तो इससे पहले जो है आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको जो है क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखे कि आपको कोई भी क्वेरी अगर आपको चाहिए PhD एडमिशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे PhD@imtech.res.in पर अपनी क्वेरी आप जो है आपको ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल एकोमोडेशन रहेगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो यहाँ पे प्राइवेसी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है या आपका नहीं होता है, तो वो टोटली डिपेंड करता है CSIR MTech के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।